दोस्तों मैं जितेंद्र टेकवॉन से बोल रहा हूँ। दोस्तों ये है ओप्पो F11 प्रो जो कि आज इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया गया है। ब्यूटीफुली लुकिंग फ़ोन है और जो इसका डिस्प्ले है दोस्तों कोई नॉच नहीं है इस पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है। पीछे दोस्तों 3D ग्रेडियंट डिज़ाइन दिया गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। दो कलर में आता है, एक तो दोस्तों थंडर ब्लैक और एक औरोरा ग्रीन कलर में, और पीछे दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है और ऊपर दो कैमरा का सेटअप है। और राइट हैंड साइड पे दोस्तों आपको मिलेगा पावर बटन और सिम स्लॉट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है। लेफ्ट हैंड साइड पे दोस्तों ये वॉल्यूम के बटन दिए गए हैं। नीचे 3.5 mm का हेड जैक है और यूएसबी माइक्रो कार्ड के लिए चार्जिंग के लिए दिया गया है, स्लॉट दिया गया है। और जहाँ तक बात करें दोस्तों डिस्प्ले की, 6.5 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD+, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, रेजोल्यूशन है 2340x1080 और पैनोरामिक स्क्रीन है। दोस्तों इसमें आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं जब आप गेम खेलेंगे या कोई भी आप वीडियो कॉन्टेंट इस पर चलाएँगे। और जहाँ तक बात करें दोस्तों इसकी और फीचर की, तो दोस्तों इस फ़ोन को चलाता है मीडिया टेक का ऑक्टाकोर हीलियो P70 प्रोसेसर और ये 6 GB रैम के साथ आता है। 64 GB दोस्तों इसकी इंटरनल स्टोरेज है, जिसको कि आप 256 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं वाया माइक्रो SD कार्ड। कलर OS 6.0 के ऊपर चलता है जो कि एंड्रॉयड 9.0 पाई के ऊपर बेस्ड है। और इसमें काफ़ी पावरफुल बैटरी लगी हुई है, 4000 mAh की बैटरी है विद सुपर वूक फ्लैश चार्ज 3.0 और इससे बहुत जल्दी चार्जिंग हो जाएगी। जहाँ तक बात करें दोस्तों इसके कैमरास की, तो ये दोस्तों इसका बहुत बड़ा प्लस फीचर है। दो कैमरा है, 48 MP का विद f1.79 अपर्चर और सेकेंडरी कैमरा है 5 MP का और डेप्थ सेंसिंग के लिए। दोस्तों इसके रियर कैमरा की विशेषता ये है कि आप नाइट टाइम पे भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी निकाल सकते हैं। और ये कई दोस्तों फीचर के साथ आता है, जैसे कि नाइटस्केप मोड है, अल्ट्रा नाइट मोड है जो कि रात के टाइम पे जब आप लाइट बहुत कम हो या ना हो तो अच्छी फोटोग्राफी निकाल सकते हैं। डेजल कलर इसका एक मोड है। और सबसे बढ़िया बात है दोस्तों जो इसका फ्रंट का कैमरा है, ये पॉपअप सेल्फी कैमरा है जिसको कि ओप्पो राइजिंग कैमरा बोलता है। ये 16 MP का दोस्तों राइजिंग कैमरा है, यानी कि ये पॉपअप करेगा जब आप इसको जब आपने सेल्फी वगैरह निकालनी हो। और इससे भी दोस्तों आप पोर्ट्रेट सेल्फी निकाल सकते हैं और रियर कैमरा से भी दोस्तों आप एक बहुत अच्छी पोर्ट्रेट भी खींच सकते हैं इवन लो लाइट में। तो कैमरा पे दोस्तों इस फ़ोन का बहुत फोकस है और यही दोस्तों इसका USP भी है। और जहाँ तक बात करें दोस्तों इसके और फीचर की, तो इसमें दोस्तों आपको जो सिक्योरिटी के फीचर्स हैं वो भी काफ़ी मिलेंगे, जैसा कि फिंगरप्रिंट सेंसर तो इसमें है ही है पीछे, जैसा कि भी आपने देखा भी था। प्लस इसमें दोस्तों फेस अनलॉक का फीचर भी दिया गया है और ये फेस अनलॉक का फीचर से भी आपकी इसमें सिक्योरिटी के दो फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्ट ड्राइविंग और स्मार्ट असिस्टेंट, ये भी इसमें फीचर डाले गए हैं। काफ़ी इसमें दोस्तों फीचर्स हैं। और जहाँ तक प्राइस की बात करें दोस्तों, इस फ़ोन की प्राइस रखी गई है 24,990 रुपीज़ और ये दोस्तों 15 मार्च से इंडिया की मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इस फ़ोन के बारे में है, फ़ोन दोस्तों देखने में बहुत ही ग्लैमरस फ़ोन है, 3D ग्रेडियंट डिज़ाइन है, हालांकि इसमें आपके धब्बे पड़ने के चांसेस रहेंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कवर लगाइए साथ में। और अदरवाइज़ दोस्तों जो फोटोग्राफी, अगर आपको एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफी निकालनी है तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। फ़ोन दोस्तों दिखने में भी बहुत अच्छा है और फीचर और प्राइस वाइज भी ठीक ठाक फ़ोन है। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techmom.com, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल के बारे में लिखता हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।